स्वागत है आपका जयेश मोची व्लॉग्स चैनल में। और दोस्तों देखिए, मैं अभी हूँ बिल्कुल सयाजी गार्डन के बीचों बीच, जो काला घोड़ा है यहाँ पर। तो दोस्तों देखिए, वडोदरा शहर की बहुत ही बढ़िया जो है धरोहर से आज इस व्लॉग में आपको रूबरू कराऊंगा। सर सयाजी राव गायकवाड़ की बहुत ही पौराणिक धरोहर आप यहां पर देख रहे हैं। आज हमें जो है वडोदरा शहर को बख्शीश के रूप में वापस मिली है। तो दोस्तों इस व्लॉग में सारी की सारी इंफॉर्मेशन और यह सारी की सारी विरासत से आपको जो है वाकिफ करवाने वाला हूं। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर से देखिएगा और अपने महत्वपूर्ण राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। क्योंकि आने वाले दिनों में भी बहुत ही बढ़िया से ऐसे इंफॉर्मेटिव ब्लॉग मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, जो आपको अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा और बेल आइकॉन को ऑल पे हिट करके रखिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव ब्लॉग आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। दोस्तों इतिहास में वडोदरा शहर का पहला उल्लेख 812 ईस्वी सन में एक क्षेत्र में आकर बसे व्यापारियों के समय से मिलता है। ईस्वी सन 1297 पर यह प्रांत हिंदू शासन के अधीन हिंदुओं के वर्चस्व में था। ईसाई युग के प्रारंभ में यह क्षेत्र गुप्त साम्राज्य के अधीन था। भयंकर युद्ध के बाद इस क्षेत्र पर चालुक्य वंश सत्ता में आया। अंत में इस राज्य पर सोलंकी राजपूतों ने कब्जा कर लिया। इस समय तक मुस्लिम शासन भारतवर्ष में फैला हुआ था और देखते ही देखते वडोदरा की सत्ता की बागडोर दिल्ली के सुल्तानों के हाथ आ गई। वडोदरा पर दिल्ली के सुल्तानों ने एक लंबे समय तक शासन किया, जब तक वे मुगल सम्राटों द्वारा परास्त नहीं किए गए। मुगलों की सबसे बड़ी समस्या मराठा शासक थे, जिन्होंने धीरे धीरे से लेकिन अंत तक इस क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया और यह मराठा वंश गायकवाड़ की राजधानी बन गया। सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जिन्होंने वडोदरा शहर में 1875 से लेकर 1940 तक इस वंश ने राज्य किया, इस वंश के सबसे सक्षम और सबसे लोकप्रिय शासक सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय बने रहे। उन्होंने इस क्षेत्र में कई सरकारी नौकरशाही सुधार किए। हालांकि ब्रिटिश राज्य का क्षेत्र पर एक बड़ा प्रभाव था। वडोदरा भारत की स्वतंत्रता एक रियासत बन गया। कई अन्य रियासतों की तरह वडोदरा राज्य भी 1947 में भारत डोमिनियन में शामिल हो गया। और दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको वही सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय, जिन्होंने 1875 से लेकर 1940 तक वडोदरा शहर में राज किया, वडोदरा शहर को वह तोहफा दिया जो देश दुनिया के सभी राजाओं में से कोई न दे सका, ऐसी विरासत इस वडोदरा शहर को सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने दी है, जो विरासतों में से कुछ अंश आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं। तो दोस्तों वीडियो को अंतिम तक जरूर से देखिएगा और अपने ग्रुप में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि यह इंफॉर्मेशन देश दुनिया के सभी लोगों तक पहुंच पाए और देश दुनिया के राजा भी इस वीडियो को देख सके और समझ सके कि सर सयाजीराव गायकवाड़ के जैसे राजा इस दुनिया में कोई नहीं हुए, जिन्होंने इस देश को सभी चीज़ों की जो है अमूल्य भेंट दी है। और जो आज जमीन में गड़ी हुई जो अमूल्य भेंट थी, आज हमारे सामने धरती का सीना फाड़कर बाहर आती हुई वडोदरा शहर में देखने को मिली। दोस्तों जो अवशेष में आपको दिखा रहा हूँ, जो चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के जरिए दिखा रहा हूँ, आप देखिए क्या उस जमाने के राजा थे, क्या उस जमाने में सर सयाजीराव तृतीय ने शहर में जो है लोगों के देखने के लिए, लोगों को सीखने के लिए ऐसी चीज़ें, ऐसी कारीगरों को संजो के रखा था, जो लोहे को यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है,
किस तरीके से पत्थरों के साथ लोहे को जोड़कर पूरा एक बाउंड्री वॉल बनाया गया है, जहां पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ी पत्थर की शिला है और पत्थर की शिला पर सर सयाजीराव गायकवाड़ ने गायकवाड़ की जो स्टैचू यहां पर बनाई गई है वो सारी विरासतें आपको इस वीडियो में देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ज़मीन में से किस तरीके से जो है सारी चीज़ें अभी के तौर पर जब भी सर सयाजीराव गायकवाड़ की यहाँ पर जो मूर्ति है उसका जो है यहाँ पर दोबारा से अनावरण किया गया वहाँ पर जो है हमें देखने को मिली। और आप देख सकते हो कि दोस्तों कितने पौराणिक यहाँ पर हमें पत्थर देखने को मिल रही है। और दोस्तों जिस तरीके से शिलाओं के यह स्टेप हमें सफाई के बाद देखने को मिल रहे उस समय की हमें जो है कला कारीगरी देखने को मिल रही है जो हमें इस वीडियो में देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमें जो है गुजराती में सारी जो है इंफॉर्मेशन लिखी हुई देखने को मिल रही है और दूसरी तरफ जो है मराठी, जैसे कि सर सयाजीराव गायकवाड़ मराठी थे तो दोस्तों यहाँ पर एक तरफ हमें मराठी में पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अभी जो दोस्तों आप स्टेप देख रहे यहाँ तक के दोस्तों अभी तक जो है पूरा का पूरा ज़मीन में गड़ा हुआ था, जो दोस्तों 9 जनवरी 2024 के दिन आज जो है ज़मीन में से बाहर हमें देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण माहिती और महत्वपूर्ण व्लॉग है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित वडोदरा उर्फ वडोदरा शहर भारत के सबसे बड़े महानगरीय शहरों में 8वें स्थान पर है और वडोदरा शहर वडोदरा जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है और इसे उद्योगों का शहर, उद्योगों की राजधानी और गुजरात के तीसरे सबसे अधिक आबादी वाले शहर में भी जाना जाता है। इसकी समृद्धि सांस्कृतिक परंपराओं के कारण जिले को संस्कारी नगरी के रूप में जाना जाता है। कई संग्रहालयों और कला दीर्घयों उद्योगों की इस आगामी हब और आईटी के स्थान पर्यटकों का पसंदीदा स्थल है। राजा चंदन के शासन के समय में वडोदरा को चंद्रावती के नाम से जाना जाता था और बाद में वीर क्षेत्र अर्थात वीरों की धरती या वीरवती विश्वामित्री नदी के तट पर बरगद के पेड़ की बहुआयात कारण वडोदरा को वडपात्रा या वडपत्रा के नाम से जाना जाने लगा और यही से इसके वर्तमान नाम की उत्पत्ति हुई। वडोदरा प्राचीन सांस्कृतिक शब्द वटपत्र से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बरगद के नीचे स्थित आवास। वडोदरा के सन 1971 से ही वडोदरा के नाम से जाना जाता है। वडोदरा अहमदाबाद के दक्षिण पूर्व में विश्वामित्री नदी के तट पर स्थित है। वडोदरा ने सबसे पहले 8वीं सदी में अपना महत्व दर्ज किया जब इसके 14वें शासन सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, जिन्होंने 1881 से लेके 1940 में ईस्वी सन और 20वीं सदी में बड़े पैमाने पर निर्माण प्रयास किया और तब इस शहर का शहरी रूप सामने आया। कई बड़े पैमाने पर निर्माण वडोदरा में उन 6 दशकों के दौरान किया गया जिसमें विशाल लक्ष्मीविलास पैलेस, वडोदरा कॉलेज और कला भवन, न्याय और न्याय मंदिर, मांडवी टावर, पार्क और फाटक एवं विश्वामित्री नदी पर बना एक पुल, गायकवाड़, पुना, पुणे में मराठा क्षत्रिय कुल मात्रे के वंश थे। कहा जाता है कि 17वीं सदी में एक समृद्ध किसान नंदा जी ने गायों की रक्षा के लिए अपना उपनाम गाय केवा, जो गायों की रक्षा करता है, रख लिया था। फिर यह उपनाम इस परिवार में गायकवाड़ के सरलीकृत हो गया। 1725 में पिलाजी गायकवाड़ ने एक दमनकारी मुगल राज्यपाल के चंगुल से बड़ौदा बचाया और व्यवस्था बहाल की। माना जाता है कि पिलाजी ने मुगलों और पेशवाओं से गुजरात की रक्षा के लिए
अपना जीवन खो दिया। सयाजीराव गायकवाड़ 1853 में कलवाना गांव को की वडोदरा के लगभग 500 किलोमीटर दूर था के एक मामूली गायकवाड़ किसान परिवार में पैदा हुए थे। मई 1875 में मातृश्री जमनाबाई साहेब जो कि खंडेराव गायकवाड़ की विधवा थी, उन्होंने सयाजीराव गायकवाड़ को गोद ले लिया और सयाजीराव एक किसान से राजकुमार बन गए। दोस्तों, सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय ने जिन्होंने 1875 से लेके 1940 तक वडोदरा शहर में राज्य किया, उन्होंने शिक्षण के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वडोदरा शहर का जो है लंबा इतिहास रहा, क्योंकि कई महले द्वारों और उद्यानों और मार्गों की परिलक्षित यहाँ पर वडोदरा शहर में होता है। यह सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय 1949 तथा अन्य शैक्षणिक व सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, जिसमें इंजीनियरिंग संकाय, मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज वडोदरा, बायोमेट्रिक्स सेंटर, कला भवन तथा कई संग्रहालय शामिल हैं। तो दोस्तों, यह वडोदरा शहर में जो है सर सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा यह सारी वडोदरा शहर को यह देन दी है, जिससे कि दोस्तों आज हम वडोदरा शहर को संस्कारी नगरी के नाम से जानते हैं। यह संस्कार जो है सर सयाजीराव गायकवाड़ ने वडोदरा शहर के एक एक बच्चे में सींचे हैं। जो शिक्षण संस्था है दोस्तों वडोदरा शहर में, जो भी हम चीज़ें देखते हैं और जो भी हमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, सर सयाजीराव के गायकवाड़ की देन है। तो दोस्तों, ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप अपने तक सीमित न रखें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि दोस्तों सभी लोगों तक यह इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। और दोस्तों, आप अपने महत्वपूर्ण राय मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर से लिखिएगा, जिससे कि दोस्तों मुझे मोटिवेशन भी मिले और ऐसे इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स मैं आपके लिए बनाता रहूँ। तो दोस्तों, ज़रूर से मुझे कमेंट करें, अपने इंफॉर्मेटिव व्लॉग्स जो है अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दोस्तों यह इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंच पाए। और दोस्तों, मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर बिल्कुल भी फॉलो करना न भूले। अगर अभी तक नहीं फॉलो किया है तो जरूर मुझे फेसबुक पेज पर आप देख रहे हैं तो दोस्तों मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी न भूले। और व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर से बताइएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन भी मिले और इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए लाता रहूं। तो दोस्तों, मेरे पेज को जरूर से फॉलो कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस व्लॉग में दी गई सारी जानकारियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है वडोदरा शहर के लिए खास करके। और दोस्तों, यह व्लॉग बनाने का मेरा मोटिव यही था कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा देश और दुनिया तक मेरा यह व्लॉग पहुँचे, और यह वडोदरा शहर की बहुत ही भव्य विरासत है जिसके बारे में सभी देशवासियों को पूरी इंफॉर्मेशन मिले। तो दोस्तों, यह व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर से बताइएगा। तब तक के लिए आप अपने महत्वपूर्ण राय दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑल पे हिट करके रखिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ऐसे ही इंफॉर्मेटिव व्लॉग में। तब तक के लिए भारत माता की जय, जय जय गरीब गुजरात।